शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिले उसकी आवाज तो जमाने की आवाज हो गई। मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। 19 जून 2022 को शिमारू टीवी पर रात एक कार्यक्रम शुरू हुआ, जो कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम शायरी का, जो कार्यक्रम भावनाओं का, जो कार्यक्रम संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम भाषा का, जो कार्यक्रम संस्कृति का, जो कार्यक्रम उल्लास का, जो कार्यक्रम आशा का, जो कार्यक्रम उमंग का, जो कार्यक्रम जीवन में रंग का, जो कार्यक्रम नए आयाम का, जो कार्यक्रम शब्दों के आसमान का, जो कार्यक्रम रदीफ का, जो कार्यक्रम काफिये का, जो कार्यक्रम दुख का, जो कार्यक्रम दोहों का, जो कार्यक्रम छंदों का, जो कार्यक्रम सेवैयों का, जो कार्यक्रम धुनों का, जो कार्यक्रम हृदय का, जो कार्यक्रम हर मन का, जो कार्यक्रम देश की धड़कन का। वाह भाई वाह। और आज मुझे खुशी है 140 करोड़ लोगों का, ये देश और दुनिया भर में देखने वाले करोड़ों दर्शक, जब चारों तरफ फुहड़ता हावी हो, जब चारों तरफ अश्लीलता नजर आती हो, वहां भाषा की बात करने वाले, कविता की बात करने वाले शो ने कमाल कर दिया। और 19 जून 2022 से चला ये कारवां, आज पहुंचा है अपनी पहली वर्ष गांठ पर। ये एक वर्ष हर्ष का। कमाल रही, इतनी हंसी, इतने ठहाके, इतने मुस्कुराहट, इतने आंसू, इतने पड़ाव, और हर पड़ाव हर मोड़ पे एक नई चीज। और आज सिर्फ ये पड़ाव भर है, ये कोई मंजिल नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त के इंतहा और भी हैं, कना तनक राल में रंगो मुंह पर चमन, और भी आशियां और भी हैं। अभी तो कई आसमान है जो हमें छूने हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये एक वर्ष की यात्रा के कुछ हर्ष के क्षण। कविता के, हास्य के, मुस्कुराहट के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं, जो है सेलो प्रेजेंट्स। वाह भाई वाह। कविताओं का मंच, शायरी का मंच, और एक ऐसा मंच जहां से हंसी है, उदासी नहीं है, गम नहीं है, परेशानियां नहीं है, और जो कुछ है बस सत्य है, सत्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जय जय श्री राम। हम पूरे करने जा रहे हैं वाह भाई वाह के 100 एपिसोड। सारे देश को हैप्पी दिवाली, भारत माता की। इस सृष्टि ने जिन्हें दृष्टि नहीं दी, लेकिन उनके पास एक मन की दृष्टि है, जिससे उन्होंने एक ऐसी सृष्टि का निर्माण कर दिया जो आप और हम नहीं कर सकते। मोहब्बत जब की जाए तो खुल के मोहब्बत की जाए, मोहब्बत जब की जाए तो कहा जाए कि हमें मोहब्बत से। जीजाजी प्रवेश कर रहे अपने तीसरे शतक में और 201वां एपिसोड। वाह क्या बात है। माय गॉड कर्ण नागे महमूद साहब यहाँ पे हैं। गुमनाम जो रहा वो गुनहगार हो गया।
चोरस जी से मिली वो कलाकार हो। हाय 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 क्या बात। आज हम आप पहुंचे हैं वाह भाई वाह के 300वें एपिसोड पे। ये है मनोरंजन की राह उस पर मेरे साथ चलिए और कहिए वाह भाई वाह। और ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से। कमाल है भाई और आज इसीलिए कमाल का एपिसोड हम करने जा रहे हैं। और इस एपिसोड के लिए मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि इसमें कौन लोग होने चाहिए, तो मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे ये लगा कि सबसे पहले तो वो लोग होने चाहिए जिनको हमने खोजा और खोजने के बाद वाह भाई वाह के मंच से वो इस कदर निकले स्टार्स बन गए। वो स्वर और ऐसे ही चार लोगों को हमने चुना जिन्होंने पिछले एक वर्ष में यहां आके नई ऊंचाई तय कर ली और लोगों के दिलों में जगह बना ली। और जब हम नई प्रतिभा की बात करते हैं, एक ऐसा कवि प्रस्तुत करते हैं जो टेलीविजन पर हम पहली बार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो मुझे लगा एक ऐसा नाम होना चाहिए जो नाम जब पढ़ेगा तो फिर किसी और नाम की जरूरत नहीं रहेगी। और उनके अलावा हमें लगा कि एक ऐसा कवि होना चाहिए जो हमारे पास पहले शेड्यूल में था और जो देश के हास्य कवियों में प्रथम पंक्ति में आता हो। और इसी तरह से ये समूह जो हमने बनाया, लेकिन समूह से मुझे याद आया हमारे देश में आप समूह कुछ भी बना लें होता वही है जो होता है, आदमी करता वही है जो उसे करना है। आदमी मतलब ढंग से बात भी नहीं कर सकता। एक आदमी एक टीका लगवा के घर पहुंचा और अपनी पत्नी को कहने लगा नर्स ने इतनी बढ़िया सुई लगाई जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। अब औरत बोले दूसरी औरतों की तो सुई ना चुभती तुम्हें मेरी बातें भी चुभ जाती है तुम्हें। क्योंकि हमारे देश में तो वही होता है ना जो हो सकता है। लोग बदला भी अलग ढंग से निकालते हैं। किसी का रिश्तेदार घर पर आया तो उसने चाय के साथ बिस्किट रखे, अब रिश्तेदार को लगा मिठाई आएगी ये आएगा खाली बिस्किट। रिश्तेदार यूं घूरते बोला हमारे घर में तो बिस्किट हम कुत्तों के सामने डालते हैं। बोला हम भी। हमारा देश है ना। पूछ लिया किसी ने किसी से कि बताओ ऐसी कौन सी चोरी है जो कभी नहीं पकड़ी जा सकती। खड़े थे तीन लोग, एक बोले सर ऐसी चोरी जो एरोप्लेन में हो जाए कभी पकड़ी नहीं जा सकती, हो गई हवा में उड़ गया पता ही नहीं चला। दूसरा बोला सर ऐसी चोरी कभी नहीं पकड़ी जा सकती जिसमें चोर कोई सुराग न छोड़े। तीसरा बोला कैसी बातें कर रहे हैं, हम बताते हैं साहब एक चोरी कभी ना पकड़ी जा सकती, हमने खुद जिंदगी में 10-20 बार की है ना पकड़ी गई। बोला ऐसे कौन सी चोरी है, स्विमिंग पूल में सूसू कौन करता है किसी का बाप नहीं बता सकता। अब क्या किया जाए, ये तो हमारा देश है ना। लोगों के पास इलाज भी बहुत कमाल कमाल के हैं। वैसे ही पूछ लिया तीनों खड़े थे, देखने को बजाय एक की घर वाले की जो मतलब हमारे एक मित्र है उनकी लड़की घर से भागने की धमकी दे रही है कि भाग के शादी कर लूंगी क्या करें रोकने के लिए। एक बोला पुलिस लगवा दो घर के बाहर कभी नहीं भागेगी, भाग ही नहीं सकती है। दूसरा बोला उसको कमरे बंद करो ताला लगा दो कभी नहीं भागेगी। तीसरा बोला यार तुम इश्क विश्क जानते ना ताले तोड़ के निकल लेगी पुलिस वालों को चकमा दे देगी। तो बोले फिर क्या करे कि नहीं भागे, टकली कर दो उसे। घर से बाहर ना निकलेगी जब तक माल ना आ जाए। ये हमारा कमाल। और आइए मैं परिचय कराता हूं उनसे जिन्हें हमने चुना। पहले वो चार लोग जिनको सुन के देश ने कहा कि भाई क्या बात है। एक लड़का जिसकी चार पंक्तियां मैंने खुद ने उसकी चार पंक्तियों को रील बना के डाला, इसलिए क्योंकि जब वो पढ़ता है तो सीधा दिल में उतर जाता है। स्वयं श्रीवास्तव नाम है उसका, जो वहां विवाह के मंच पे आया और छा गया। छोटे से गांव से हमने किस तरह से प्रतिभाओं को ढूंढा उसका एक उदाहरण है कनेड़ा ब्यावरा मध्य प्रदेश के मनीष गोस्वामी जो अपने हास्य के छंदों और कविताओं से अद्भुत।
रायगढ़ का एक व्यक्ति जो जीवन में कभी नहीं सोचता था कि मैं टेलीविजन पे आऊंगा, वीडियो भेज दिया, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि टेलीविजन पे मैं आऊंगा और ऐसा आऊंगा कि छा जाऊंगा। अमित दुबे रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। एक लड़की जिसका स्वर ही गीत है, जब वो पढ़ती है तो फिर दिल ही दिल की बात सुनता है, और जब वो आज भी पढ़ेगी तो आप कहेंगे कि इसे तो इस एपिसोड में होना ही चाहिए था। श्याम बीवी सिंह, नई पीढ़ी का एक ऐसा रचनाकार जिसके उपन्यास इस कदर बिकते हैं, नई पीढ़ी में हिंदी साहित्य को नया रूप देने वाले अगर मैं 3-4-5 नाम लूं, चाहे सत्याव्यास हो या दिव्य प्रकाश दुबे हो या निखिल सचान हो, बहुत सारे लोगों ने नई नई भाषा में, नए नए अंदाज में, नए नए मुहावरों में लिखा। जब मैंने इसे पढ़ा तब तक मैं इसे मिला नहीं था, और मैंने इसे पढ़ा, पढ़ने के बाद एक किसी कार्यक्रम में जहां कुल जमा 17-18 लोग थे, शायद इतने भी नहीं, मैं चुपचाप आखिरी पंक्ति में जाके अपनी पत्नी के साथ बैठ गया, चुपचाप। मुंबई के बांद्रा में एक कार्यक्रम था बुक स्टोर में, और वो भागते हुए मंच से आया और उसने मेरे पांव छुए, भैया आप यहां कैसे। तब मुझे लगा कि ये लड़का इसलिए इतना अच्छा लिखता है क्योंकि इसमें अभी तक संस्कार बाकी है। उसने डार्क हॉर्स लिखी तो वो हॉट केक की तरह बिकी, औघड़ लिखी तो ऐसी बिकी कि पूछो मत, और जब वो झूमते हुए गमछा बांध के गीत पढ़ता है तो नई पीढ़ी को पागल कर देता है। नीलोत्पल मृणाल नाम है उसका। मेरा बहुत प्रिय छोटा भाई, ये तमाम प्रिय हैं, एक इनमें है जो मुझे बड़ा अप्रिय है, लेकिन उसे बुलाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि वो वाह भाई वाह के पहले शेड्यूल में था, पहले दिन की शूटिंग में था, यही एकमात्र कारण है उसके आने का, वरना मैं उसे कभी आमंत्रित नहीं करता। लेकिन ये तो मजाक की बात है, संजय झाला इस देश के हास्य कवियों की प्रथम पंक्ति में होता है, वो जितनी पकड़ उसकी हास्य पे है उतनी पकड़ उसकी संस्कृत पर भी है, वो एक ज्ञानी व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात, मैं इससे बड़ा उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता, वो जितना अच्छा कवि उससे कहीं अच्छा इंसान है। बैठ जाओ, मैं अपने शब्द वापस भी ले सकता हूं। तो आइए इस विशेष एपिसोड में हम महफिल की शुरुआत करते हैं ठहाकों के साथ, और उसे बुलाते हैं जो अपने अंदाज से आप पे जादू कर देगा, अमित दुबे। शैलेश भैया प्रणाम करता हूं आपको, और शिमारू टीवी के तमाम दर्शकों को मेरा नमन। Oh, hi guys. Hi guys. Myself, Amit Dubey. And I will tell kavita sunaunga aapko. Shailesh bhaiya, apni angrezi badhiya hai. Haan, wo dikh rahi hai, sun bhi li. Aur इसलिए बढ़िया है कि मेरे अंग्रेजी के टीचर ने मुझे ऐसी अंग्रेजी पढ़ाई कि मैं हिंदी का कवि हो गया। लेकिन भैया वैसे मैं तुम्हें बताऊं अमित, अंग्रेजी जो भाषा है ना बड़ी अवैज्ञानिक भाषा है, हिंदी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। कुछ वाक्य ऐसे हैं जैसे अंग्रेजी वाले बड़े फैल रहे थे कि हमारी अंग्रेजी बड़ी महान है, मैंने कहा हम एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो कि घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा। अब किसी का पिताजी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। अब एक का बच्चा गिर गया कीचड़ में तो डॉक्टर के पास लेके गए उसे, ये क्या हुआ इसको, अत हुआ तो ऐसा हम कहा बताएं, अब ऐसा हुआ, अरे भाई समझाओ तो सही, हुआ क्या, अब हम कहा समझा, भाई मेरे को समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में समझा देते हैं, लेके निकला होंडा हमारा लौंडा। तो बड़ी
बड़ी कमाल की है। ये ऐसे सत्यानाश होता है भाषा का, लेकिन मेरी अंग्रेजी ये ऐसे अंग्रेजी ऐसे ही कर रखी। मेरी अंग्रेजी क्यों खराब हुई मैं बताता हूँ, बता दे रहा हूँ मैडम आप। मैं बताने के लिए ही आया हूँ। कहा करती थी जो कभी फटाफट अंग्रेजी, मिली कल तो देखा पी रही थी गटाकर अंग्रेजी। मैं बता रहा हूँ, कहा करती थी जो कभी फटाफट अंग्रेजी, लखन भैया कहा करती थी जो कभी फटाफट अंग्रेजी, मिली कल तो देखा पी रही थी गटागट अंग्रेजी, वो सिगरेट की बू आ रही थी उसके होंठों से और नशे में झूम रहे थे उसके लट अंग्रेजी, देखकर मेरी ओर कहने लगी गुमान से तुम मिडिल क्लासों की है रुकावट अंग्रेजी, बढ़ाकर पैर मेरी ओर कहा उसने इसे पियो और फिर बोलो सटा सट अंग्रेजी। पियो और फिर बोलो सटा सट अंग्रेजी। उसने कहा और लोगे मैंने कहा व्हाई नॉट लिटिल बिट बट अंग्रेजी। लिटिल बिट बट अंग्रेजी। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, क्या बात है। ये स्थिति हमारे पास हास्य के तमाम विषय है भैया। आजकल ये बच्चे बैठे हैं, ये लोग रील बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वीडियो डाल देते हैं, लेकिन उससे इससे पैसे भी कमा रहे हैं। वो एक काम वाली बाई का जो वीडियो जो मिलियन में व्यूअर्स हो गए, वो अपने मैडम के पास अपने मालकिन के पास गई और उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रही है। दोनों के बीच में क्या वार्ता होता है वहां से मैं हास्य निकालता हूँ। साहेब की मैम से यूं काम वाली बाई बोली मैडम जी मैं कल से काम में ना आऊंगी। झट कहा मैडम ने ठहर जा रे पगली, अगले महीने से पगार को बढ़ाऊंगी। तो काम वाली बाई बोली झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा अब तो मैं सोशल मीडिया पे लगाऊंगी और जितना जितना बढ़ाओगी पगार तुम नेक्स्ट मंथ उतना तो पैसा एक ठुमके से कमाऊंगी। चौथी क्लास के एक बच्चे से एक मास्टर ने पूछ दिया कि ये बताओ कि लड़का किसको कहते हैं। अब चौथी क्लास का लड़का क्या जाने, उसने अपने आसपास के चार लड़कों का एक एक गुण मिलाया और गुरुजी से कहा कि गुड़ के समान गुण गोबर समान ज्ञान, ऐसे गुड़ गोबरों को कहा जाता लड़का। नाखून को जो काट लेते दांत से ही ऐसे नेल कटरों को कहा जाता लड़का। नेल कटरों और तेरा पोस्ट ऑफिस का चैन खुला हुआ है बे। तेरे पोस्ट ऑफिस का चैन खुला हुआ है बे। तेरे पोस्ट ऑफिस का चैन खुला हुआ है बे। ऐसे मार्गदर्शकों को कहा जाता लड़का। तेरे पोस्ट ऑफिस का चैन खुला हुआ है बे। ऐसे मार्गदर्शकों को कहा जाता लड़का। नाक के प्रोडक्ट को जो पहुंच लेते शर्ट पर ऐसे ऐसे साफ सुथरों को कहा जाता लड़का। ये लड़के अपने चरित्र चित्रण पर भयंकर खुश हो रहे हैं। मैं लड़कियों को भी मौका दे रहा हूं। दूध के समान श्वेत पापा जी की फेवरेट बतासे की कटोरियां कहलाएं लड़की। बॉय हो या बॉयफ्रेंड दोनों को सुनाए गीत जो लल्ला लल्ला लोरियां कहलाए लड़की। गुप चुप चट जाए गुप चुप ऐसी सब चटोरियां कहलाए लड़की। लेकिन लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि एक दिन मैंने कहा मुझसे करोगी ब्याह, उसने कहा कि तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। एक दिन मैंने कहा मेरी शादी पक्की हुई, फिर से कहा कि तेरा मुंह नोच
लूंगी मैं। आज घर वाली है वो मेरे ही एक दोस्त की, जिसने कहा था तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। मुंह को बना के मुंह मुंह छेड़े रोज मुझे, किसने कहा था तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। क्या बात है, इतना अच्छा काव्य पाठ तुमने किया कि एक खूबसूरत लड़की से हाथ मिलाने का मौका तुम्हें मिला। कहाँ तो जिंदगी में मुंह नोचने की बात चल रही थी, और ये दूध की कटोरी इसी ने तुमसे हाथ मिलाया। इससे कहते हैं तरक्की। क्या बात है, आज तुम्हें नींद ना आएगी मेरे दोस्त। लेकिन कमाल कर दिया अमित दुबे ने, क्या अद्भुत तरीका, क्या अद्भुत अंदाज और क्या अद्भुत तुकांत। ऐसे मार्गदर्शकों को कहा जाता लड़का, मैं हमेशा याद रखूंगा वो, ये कभी नहीं भूलेगा। तेरा पोस्ट ऑफिस खुला है बे, ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। ये जो मार्गदर्शक होते हैं ना, कई बार फंस जाते हैं। हमारे पिताजी के कजिन काफी वो मार्गदर्शक थे, तो रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे और सामने से एक आदमी आ रहा था। अब उनको लगा के आ रहा है आदमी, तो उनका उसको, ओ भाई साहब घर से निकल जाते हो, अपनी चेन तो बंद कर लो। वो बोले पहले खुद की तो कर ले। कि निश्चित सच्ची घटना, आप मार्गदर्शन करने जाएंगे आपको दो मार्गदर्शक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हमारे देश में यही हो रहा है। लेकिन अमित दुबे वाह भाई वाह की खोज है, हमें बड़ी खुशी। और ऐसी एक खोज, एक बालक जो बड़ा मासूम है, बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, और आता है ब्यावरा के पास एक छोटे से गांव से, नाम होता है उसका मनीष गोस्वामी। हमारे बीच में मनीष गोस्वामी कविता पढ़ेंगे। हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस विशेष मौके पर अवसर देने के लिए। एक छत पढ़ता हूँ कि आजकल की नई नई लेलाओं के सामने हमें रोब झाड़ने में बड़ा मजा आता है। हाय हाय, आजकल की नई नई लेलाओं के सामने हमें रोब झाड़ने में बड़ा मजा आता है, और पहले से एक बार फटी हुई बनियान बार बार फाड़ने में बड़ा मजा आता है। ये तो हिंदुस्तानी मिडिल क्लास का सुख है भैया। तो बिना बात अपनी ही पत्नी पे रोज रोज जोर से दहाड़ने में बड़ा मजा आता है, और दूसरों की छत पर बैठी हुई बीबियों को कसम से ताड़ने में बड़ा मजा आता है। निश्चित तौर पे ये मनीष, तुम संजय झाला को तुमने देखा होगा कुछ दिनों तक, उसी के बाद ये छंद तुमने लिखा होगा, क्योंकि उसका छत का बड़ा पुराना रिश्ता है। एक और छंद पढ़ता हूँ कि फेसबुक पर एक लड़की पसंद आई, प्रतिदिन उसको सलाम भेजता रहा, और सर्दियों के मौसम में अमरूद भेजे मैंने, गर्मियों में मीठे मीठे आम भेजता रहा, तो उसके बताए हुए एड्रेस पर सदा मन चाहे गिफ्ट ऑटो याम भेजता रहा, और बाद में पता चला वो पड़ोसी का कल हुआ था जिसको मैं प्यार के पैगाम भेजता रहा। बहुत बढ़िया। और एक क्षण पढ़ता हूँ कि शादीशुदा आदमी का दर्द ना मिटा सके तो महंगी से महंगी दवाई किस काम की। शादीशुदा आदमी का दर्द ना मिटा सके तो महंगी से महंगी दवाई किस काम की, और सर्दी के मौसम में ठंड ना बुझा सके तो मखमली रुई की रजाई किस काम की, और जिसे देखकर आई ना भी घबराने लगे चेहरे पे इतनी पुताई किस काम की। कि जिसे देखकर आई ना भी घबराने लगे चेहरे पे इतनी पुताई किस काम की, और चुपके से जो पति की जेबों को टटोले रोज ऐसी लोभी लालची लुगाई किस काम की। और एक क्षण पढ़ता हूँ कि इंटर में पास होके कॉलेज गया तो मैंने चक्कर चला के एक परी को पटा लिया। इंटर में पास होके कॉलेज गया तो मैंने चक्कर चला के एक परी को पटा लिया, और बात करती थी जब फोन पे वो मुझसे तो रोज पूछती थी मेरे मन्नू खाना खा लिया।
बात करती थी जब फोन पे वो मुझसे तो रोज पूछती थी मेरे मन्नू खाना खा लिया और क्यूट क्यूट बोल मुझे बर्बाद कर डाला और फिर कहने लगी दूर हट कालिया। क्यूट क्यूट बोल मुझे बर्बाद कर डाला और फिर कहने लगी दूर हट का लिया, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, तुझसे भी अच्छा मैंने दूसरा पटा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे देखकर आईना भी डर जाए चेहरे पे, इतनी पुताई किस काम की, शाम भी के पास तो तुम बैठना भी मत। तुमने उसी को इशारा करके कहा था, बाद में तुम देख लेना शाम्भवी, हाँ इसके साथ उचित व्यवहार करना। और आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और एक ऐसे स्वर को सुनाना चाहता हूँ जिसको सुनना मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सभी को सुनना अच्छा लगता है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिसकी आवाज़ आपके रूह तक पहुँचती हो, जिसका स्वर आप नींद में भी हो तो दिल की दीवारों से जा टकराता है, जो पढ़ता है तो यूं लगता है कि किसी घने जंगल में से कोई शंख की ध्वनि कहीं से टहलती हुई आ रही है, जो पढ़ता है तो यूं लगता है कि अंधे कुएं में किसी ने सुरों को डाला हो और उससे स्वर बाहर निकल के आया हो, और वो पढ़ता है तो यूं लगता है कि वो नहीं पढ़ रहा, स्वयं का दिल पढ़ रहा है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख पसीने की चमक है, हाय हाय दिख रही है खून पसीने की चमक है। क्या बात है सर, चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वयं जो तुमने चार पंक्तियां कही, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है, तो अचानक मुझे हस्तिमल हस्ती के दो शेर याद आ गए जिन्होंने इस अंदाज में अपने ढंग से बात कही थी। हस्तिमल हस्ती वो शायर है जिन्होंने एक बड़ी खूबसूरत गजल कही, बहुत सारी खूबसूरत गजलें कही है, लेकिन एक के प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, ये उनकी कलम से निकली है। वो कहते हैं कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, और चेहरे पे सारी चमक पसीने की है जनाब, हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला। लेकिन ये चमक आती कहां से है, जब हम अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं और उस बनाने के क्रम में हमें कई लोग रोकते हैं, लेकिन तब हमारा दिल क्या कहता है, चार पंक्तियां सुनाओ स्वयं। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमा दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन सर का आदेश था कि कुछ प्रेम पे भी पढ़ देना, बहुत सारे जवान दिल बैठे हैं मेरे सामने, हम लड़कों के हिस्से में प्रेम कहानियां भी एक तरफा आती, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। बुजुर्ग शरीर है पर दिल उनके भी जवान ही है, मेरा इशारा आदरणीय झाला जी की ओर है। संजय सर की भूतपूर्व प्रेमिका को भी समर्पित पंक्तियां हैं, सुन लीजिए। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया, जब सल्तनत से दिल की हीरानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की हीरानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। स्वयं लेकिन कोई चला जाता है तो दिल से और क्या क्या लेके चला जाता है, चार पंक्तियां और सुनिएगा। हाँ स्वयं। आँखों से मेरे नींद की आहट चली गई, आँखों से मेरे
से होंठों की तरावट चली। दुष्ट लड़कों के चक्कर में कुछ अच्छे प्यारे भोले मासूम लड़कों को भी छोड़ देती हैं। चार पंक्तियां सुनेगा। जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी। जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी। तुमने तो गला घोट दिया, तुमको क्या एहसास इसमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थी। इसमें किसी की नाम की कुछ हिचकियां भी थी। चार और पंक्तियां कि जब हमारे प्रेम में बहुत बार हम प्रयास करते हैं कि प्रेम हो जाए लेकिन वो प्रेम हमारे हिस्से में नहीं आता तो हम ईश्वर से एक शिकायत करते हैं। चार अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे है कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे जैसे ये जो गीतकार है ना, ये संजय झाला की पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे जैसे गीतकारों को सुन के इन लोगों को फिर से इश्क करने की इच्छा जाग उठती है। सिर्फ प्यास ही लिखी है या पानी भी लिखा है, क्या बात है। स्वयं के लिए एक बार जोरदार ताली। बड़ा खास अवसर है, एक वर्ष हर्ष का, जो हमने एक वर्ष बिताया 19 जून 2022 को ये यात्रा और ये कारवां शुरू हुआ, और आज 19 जून 2023 है। कोविड के बाद जब जिंदगी कहीं दूर चली गई थी, गम थे, परेशानियां थी, क्या दौर था ना वो। पुलिस हमें इसलिए डंडे मारती थी कि हम मर न जाएं, यही हाल था उस वक्त। लेकिन उस दौर से निकल के आना और जिंदगी फिर से जीना, इसलिए हमने फैसला किया जिंदगी तो आगे बढ़ती रहनी चाहिए, और आगे बढ़ती जिंदगी में जो एक वर्ष हर्ष का है वो बड़ा कमाल का है। और इसीलिए आज ये हम मना रहे हैं उन लोगों के साथ जिनका यह होना बड़ा जरूरी है, शो के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। आप जानते हैं कि हम टेलीविजन पे एक कवि ऐसा प्रस्तुत करते हैं जो टेलीविजन कैमरों पे पहले आपके बीच नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो छा जाएगा। ये मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है, क्योंकि नीलोत्पल जब अपने खास देशज अंदाज में पढ़ता है ना, तो बस वही पढ़ता है। तो नीलोत्पल मृणाल को जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वाह भाई वाह के मंच पे आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नीलोत्पल मृणाल। नमस्कार। हिंदी कविता की उत्सव धर्मिता को ऐसा सतरंगी और वैश्विक मंच देने के लिए सबसे पहले तो शैलेश भी आपका मैं साधुवाद करूंगा। हिंदी की ओर से सिमारो टीवी का धन्यवाद। देखिए एक गीत मैं सुनाता हूँ, रील को रेल बनाने वाला गीत, ठीक है ना। एक पीढ़ी क्या है, आपकी है, एक झाला साहब की पीढ़ी है सेवाग्राम वाली। वैसे सेवाग्राम वाली कुछ और पीढ़ी कह दो, झाला साहब की पीढ़ी तो किलोग्राम वाली। तो वहां से मैं एक गीत सुनाता हूँ आप लोगों को। हर व्यक्ति को, हर पीढ़ी को अपना अतीत अच्छा लगता है, ये जानते हुए कि उसके सामने जो पीढ़ी खड़ी है वो ज्यादा प्रतिभाशाली है, फिर भी वहां से मैं एक गीत सुनाता हूँ। सुनाओ मना। कि स्कूल की दीवारों पर जा, लड़के हाय हाय, क्या बात है। अरे चलती तीर को
हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के और उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बना उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के और क्या था वो दौर अरे ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के और खाके समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के मर मेहनत के पथ पर मिलो साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के और क्या था अरे बियर पचा के खुद को बहादुर पीर बताने वाले लड़के और निकले सड़क पर गुमटी दफ्तर सील करा वाले लड़के और खड़े खड़े थाना ठेकेदारी डील कराने वाले लड़के अरे कुछ भी नहीं था फिर भी सिकंदर फील कराने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के और हक में उठे तो अरे हक में उठे तो कलमा को शमशीर दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के बहुत बहुत क्या बात है मुझे खुशी है कि नीलोत्पल मेरा छोटा भाई है मुझे खुशी है कि तमाम लोग जो हैं ये मेरा अनुज हैं और इस खूबसूरत ढंग से लिखते हैं कि मुझे आप लोगों को बड़ा प्यार उमड़ता है कितना खूब लिखते हैं आप लोग और वो जो पुराना ज़माना और आज का ज़माना निकल गया मुझे उदय प्रताप सिंह जी की चार पंक्तियाँ याद आती है मेरी जो बहुत लोकप्रिय कविताएँ रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मेरे ख्याल से मिस करते हो कि नहीं जो एक कविता थी उसके लगभग 200-300 मिलियन व्यूज़ मेरी उसी कविता के लिए जो सिर्फ इस वजह से थी कि वो ज़माना निकल गया लेकिन उदय प्रताप जी की वो चार पंक्तियाँ कमाल की है जो निकले हुए ज़माने के लिए और आज के आशिकों को वो कहते हैं कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता ख़त्म में रख देते थे कलेजा निकाल के ये जो दौर था वो चला गया और अब बारी उसे कवि के जो हिंदी कवि सम्मेलन के हास्य कवि में प्रथम पंक्ति पर है और चूंकि जो पहले दिन हमने शूट किया था उसमें वो शामिल था उसका होना भी बड़ा जरूरी था मैं माइक से
कैमरे के सामने मुझे कहते कोई गुरेज नहीं है कि संजय झाला देश के हिंदी कवि सम्मेलन के जितने बड़े हास्य कवि हैं वो तो खैर है ही, वो मुझे तमाम लोग ये लोग मोहब्बत और प्यार से आचार्य कहते हैं और ये परंपरा उसी ने शुरू की थी और वहीं से ये आचार्य नाम इन लोगों ने मुझे दिया। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, संजय झाला मेरी आदत है। हम जोरदार ताली से स्वागत कर रहे हैं हिंदी कवि सम्मेलनों के सरमौर हास्य कवियों में से एक संजय झाला का। हर्ष के इस वर्ष में मैं आप सब लोगों की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूँ। खुद की ओरिजिनल आवाज में बोलना, अपनी आवाज में बोलना, क्या कर रहे हैं? खुद की आवाज में बोल भाई, तेरे पास अच्छी आवाज खुदा ने दी है, उसी में बोल। हर्ष के इस वर्ष में, क्यों हर्ष के हर्ष के इस वर्ष में मैं आप सब लोगों की ओर से, खुद की नहीं निकल रही तेरी, अपनी निकालना यार, खुद की आवाज निकालना। हर्ष के इस वर्ष में मैं आप सब लोगों की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। एक सिचुएशन रचना मैं आपको सुनाता हूं। सिचुएशन में जिन लोगों ने कभी जीवन में हिंदी कवि सम्मेलन में सिचुएशन पोइट्री या सिचुएशन कविता ना सुनी हो, मैं उनके लिए बता दूं ताकि ज्यादा आनंद आएगा। हर कवि का अपना पढ़ने का एक अंदाज होता है। काका हाथरसी जो पढ़ते थे उनका एक अंदाज था, उनका विशेष अंदाज था, ढाई मन से कम नहीं तोल सके तो तोल, और किसी किसी के भाग्य में लिखी ठोस फुट बोल, और लिखी ठोस फुट बोल न करती घर का धंधा, 8 बज गए पर पलंग पर पड़ा पुलंदा, और कह काका कविराय खाए वह ठूसम ठूसा, यदि गिर जाए पति पर निकाल दे पति का भूसा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर कवि का अपना एक निराला अंदाज हुआ करता था और होता भी है। सिचुएशन पोइट्री उसे कहते हैं जब एक कवि कोई एक ऐसी सिचुएशन ले कि उसमें अगर ये कवि होते तो कैसे पढ़ते, उसे कहा जाता है सिचुएशन की कविता। वो सुनाने जा रहे हैं संजय झाला। सिचुएशन है मेरे गोरे गोरे गाल तो मैं क्या करूं। अच्छा, ये सिर्फ ये पंक्ति है। वाह, देश के कुछ महनीय वरिष्ठ कवियों के सामने समस्या आती है तो अपनी विधा में अपनी शैली में उस समस्या का समाधान वो किस प्रकार से करते हैं। पहले कवि डॉक्टर हरिवंश राय जी बच्चन, आपने उनकी मधुशाला पढ़ी होगी, सुनी होगी। बच्चन जी के सामने समस्या आती तो इस समस्या का समाधान कैसे करते? तेरे गोरे गोरे गालों ने क्या जादू कर डाला। हाय हाय हाय, वाह संजय, वाह क्या बात है। तेरे गोरे गोरे गालों ने क्या जादू कर डाला, गाल तेरे मुझको यूं लगते जैसे हाला का प्याला, आला के प्याला को बाला, आला के प्याला को बाला, मादक और बना दूंगा। एक बार गालों मेरे अधरों से सुन लो मधुशाला। रखी है यार, आहा, क्या बात है। सुन लो मधुशाला, सुन लो मधुशाला। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप याद कीजिएगा, भाषण देते थे, कविता करते थे, कविता करते करते भाषण देते थे। माननीय वाजपेयी जी के सामने समस्या आती तो किस प्रकार से निराकरण करते? बता रहे हैं ये देश कहां जा रहा है, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक समय था जब इस देश में सालों की समस्या थी, फिर घोटालों और दलालों की समस्या आई, अब गालों की समस्या है। हमने सिंह साहब से कहा था, सिंह साहब ये समस्या आप सुलझाइए। सिंह साहब ने कहा, अटल जी इस माया में मत हमें उलझाइए। हमने कहा, सत्ता के साथ ये समस्या हमें सौंपो, यद्यपि हम इस क्षेत्र में बहुत नए हैं लेकिन शादी नहीं हुई तो क्या है, बारात में तो गए हैं।
माननीय सुमित्रा नंदन जी पंत, प्रकृति के बड़े सुकोमल कोमल कांत कवि, भाषा का बड़ा निर्मल विशुद्ध और साहित्यिक प्रयोग किया आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पंत जी को पढ़ा होगा, उनकी भाषा का आनंद लें, विशुद्ध हिंदी का आप लोग आनंद लें। हे कामिनी मानिनी भाविनी भामिनी, हे कामिनी मानिनी भाविनी भामिनी, ललिता वनिता त्रिनिता पाविनी, तेरे कपोल हैं गोल अमीय सम सरस रसीले, ये भंवरे हो जाएं अमर बूंद जो इनकी पी लें। ये भंवरे हो जाएं अमर बूंद जो इनकी पी लें, तेरे इन गालों का स्तंभन संबोहन चुम्बर देखेंगे, कैसे पीते मकरंद मधु पिए देखेंगे, हे वासंती मालिनी शालिनी। तेरे इन गालों का स्तंभन उन्मादन सम्मोहन चुम्बन देखेंगे, कैसे पीते मकरंद मधु पिए देखेंगे, हे वासंती मालिनी शालिनी, गालों से हमें रिझाओ ना, इनका निदान हम कर देंगे, प्रियम वदा पास तो आओ ना। अभी काका जी का आपने जिक्र किया, काका हाथरसी जी के सामने अगर ये समस्या आती तो किस प्रकार से निराकरण कर? तेरे गोरे गाल देखकर हम तो हो गए मस्त, तेरे गोरे गाल हैं गोरी फिर क्यों होती त्रस्त, फिर क्यों होती त्रस्त, एक दिन घर पर आओ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताओ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताओ। और दाढ़ी का इतना सुंदर प्रयोग किया है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताओ, कह काका कविराय दाढ़ी की कलम बनाकर, इन कोरे कागज से गालों पर कर देंगे हस्ताक्षर। वाह वाह वाह, इन कोरे कागज से गालों पर कर देंगे हस्ताक्षर। और कवि प्रदीप जिन्होंने देशभक्ति गीत लिखे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिनको मिला, अगर उनके सामने समस्या आती तो किस प्रकार से उसका समाधान करते? कवि प्रदीप जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों, के कर दे तू इन गोरे गालों का दान, इनके कोर्स की बात, कर दे तू इन गोरे गालों का दान, हो जाएगा भक्तों का कल्याण। क्या बात है, किए जा तू जग में भलाई का काम, लगे नहीं तेरा एक छदाम, के गाल ही है क्या, के गाल ही है क्या, कुछ और भी बता, तेरी सब पीर हरेंगे राम। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। तुम सब लोगों ने दिल जीत लिया यार, क्या बात है, इस एपिसोड को इतना अविस्मरणीय बना दिया है तुमने कि मैं क्या कहूं। लेकिन अभी तो एक प्रस्तुति बाकी है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ना चेरी ऑन द केक, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई क्रेसेंडो अंग्रेजी का एक शब्द है, जब आप स्वर को आरोह में ले जाते हैं तो जो क्रेसेंडो होता है ना वो बड़ा कमाल का होना चाहिए। और हमारे इस क्रेसेंडो के लिए हमारे पास एक ऐसा स्वर है जिसे हमने चुना के साल भर में से हम किसे बुलाएं, तो मुझे लगा मुझे उसे बुलाना चाहिए। और जब वो आके यहाँ एक गीत पढ़ेगी, यकीन मानिए अमित दुबे, मनीष गोस्वामी, स्वयं श्रीवास्तव, नीलोत्पल मृणाल, संजय झाला, किसी को नहीं भूलेंगे आप, सबको याद रखेंगे। और वो आके इस केक पर एक चेरी रखने जा रही है बिना किसी भूमिका के, एक वर्ष हर्ष का आज हमारा विशेष एपिसोड है ये, जो हम पूरा साल संपूर्ण होने पर मना रहे हैं। और इस एपिसोड में आज की प्रस्तुति के लिए आ रही है साल भर में से चुनी गई शांभवी सिंह, जोरदार तालियों के साथ। मैं इस मंच को नमन करती हूँ और वाह भाई वाह के एक वर्ष पूरे होने के लिए इसे शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ और शैलेश सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज ज्वाइंट फैमिली का प्रति व्यक्ति बंटवारे की मांग करता है। परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, बच रही हैं केवल धुंधली यादें। यदि आप उसे समेट सकते हैं तो समेट लीजिए। इसे पर एक गीत सुनाती हूँ। सुना। बचपन के सुंदर आंगन में
अधिकार बट रहे हैं देखो, हाय हाय। बचपन के सुंदर आंगन में अधिकार बट रहे हैं देखो, यूं धुआं उठ रहा है शायद परिवार बट रहे हैं देखो। अब बता रही हूँ कि किस तरह से जॉइंट फैमिली के लोग अपनी जिंदगी जीते हैं प्रेम मोहब्बत के साथ, और आज ये खत्म हो रहा है। जब बृहद एकता फैली थी हर गली गली हर कूचे में, जो हंसी ठहाके उठते थे गर्मी की शाम बगीचे में, जो छत पर गद्दे बिछते थे वो लंबी एक कतारों में, जो रोज डिजाइन बनती थी बादल में और सितारों में, जो बच्चों की किलकारी से घर आंगन रोज महकता था, वो अम्मा के सिरहाने पे सूरज का तेज चमकता था, जब चाचा के संग मेले में अरमान खरीदे जाते थे, उस आठाने के चूरन में संसार खरीदे जाते थे, उस राजमहल में सत्ता के आधार बट रहे हैं देखो, उस राजमहल में सत्ता के आधार बट रहे हैं देखो, यूं धुआं उठ रहा है शायद परिवार बट रहे हैं देखो। सर्दी की सुबह रसोई में जब बड़ी कड़ाही चढ़ती थी, जब चटपट तलखा खाने को नींदों से आंखें लड़ती थी, जब चाची प्याले भर भर कर सबको आवाज लगाती थी, हम दौड़ भाग कर आते थे जब माँ फटकार लगाती थी, जब बुआ सिलाई में हमको फंदों की कला सिखाती थी, उस खिली धूप में घंटों तक स्वेटर रंगी मशहूर सुनाते थे, जब होली में रंगोली की फुलवारी साथ बनाते थे, बाबा की लाठी के सारे आसार बट रहे हैं देखो, बाबा की लाठी के सारे आसार बट रहे हैं देखो, यूं धुआं उठ रहा है शायद परिवार बट रहे शायद परिवार बट रहे हैं देखो। वाह शाम जी ने इस खूबसूरती से गीत पढ़ा, और इन तमाम लोगों ने, मैं क्या कहूं, एक वर्ष हर्ष का इन पलक झपकाते हुए बीत गया। ये यात्रा अद्भुत है, और ईश्वर से, माँ सरस्वती से, जिनका मैं भक्त हूँ, बाला सती माता से ही प्रार्थना है कि ये यात्रा यूं ही जारी रहे। मेरे बाजुओं में जितनी ताकत है, मेरे भीतर जितना बल है, मैं कोशिश करता रहूँ कि शेमारू टीवी के इस अद्भुत मंच वाह भाई वाह पे मैं नई नई प्रतिभाएं लेके आता रहूँ। ईश्वर ने अगर इन्हें कला दी है तो स्टार बनना इनका सपना नहीं, इनका हक है। हक दिलाने में अगर जरा सा भी काम आ सकूं तो मुझे लगेगा कि मैंने जिंदगी में कुछ तो ठीक किया है। बड़ा भावुक हूं मैं इस वक्त कि ये एक वर्ष जब ये यात्रा हमने प्रारंभ की थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं शेमारू टीवी को, वाह भाई वाह को, उनके बिजनेस हेड सुभाष सोमानी को, और तमाम टीम को कि हमारे इस मुहिम को उन्होंने ये संबल दिया, ये सहारा दिया, और आज ये एक वर्ष संपूर्ण हो रहा है। न जाने कितने पड़ाव आए हैं, कितने पड़ाव आएंगे, न जाने कितने लोग आए हैं, कितने लोग आएंगे, न जाने कितनी कविताएं सुनी गई हैं, कितनी कविताएं सुनाई जाएंगी, न जाने कितने शेर कहे गए हैं, कितने शेर कहे जाएंगे, न
जाने कितनी तालियां गूंजी हैं, कितनी तालियां गूंजेगी। इस संसार में कोई अजर नहीं है, कोई अमर नहीं है, कोई रहता नहीं है, कोई टिकता नहीं है। जो वृक्ष उगता है सूखता है, जो नदी बहती है कभी खाली भी होती है, जो हवाएं उड़ती हैं थमती भी हैं, जो झंझावात चलते हैं रुकते भी हैं, जो वाहन दौड़ते हैं उनमें ब्रेक भी होते हैं, ये यात्रा हमारे साथ जारी रहेगी। हमारी कोई रहे न रहे, एक चीज हमेशा रहेगी इस दुनिया में, वो होगी कविता। वाह भाई।